नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, 2022 में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। नारद राय पूर्व मंत्री। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुबड़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सिउपुर दियर सोमाली गांव में पूर्व मंत्री नारद राय गए तो मीडिया से बातचीत में बताया कि अब हमारी सरकार आएगी तो सड़क का सब काम होगा। भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। आप इस गांव में आए हैं, यहाँ गांव में भी देखा जाए सर, बहुत ज़्यादा यहाँ समस्याएं हैं आने जाने के लिए, बाढ़ को लेकर। अभी तो बाढ़ आई ही नहीं, तो बाढ़ के लेकर गया। बाढ़ आई थी पिछली बार, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ कुछ नहीं किए थे। सरकार न करती है, गांव का प्रधान कितना कर सकता है। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बलिया से नफरत है, विकास से नफरत है। एक तरफ जहां माननीय अखिलेश यादव ने 150 करोड़ का पुल दिया था, अप्रोच दिया था, 3.5 साल में एक कंकड़ नहीं पड़ा है गंगा नदी के इस पार। देखें आप, आके देखें है ना, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है और लोगों को बरगला करके फुसला करके चुनाव जीतने का जुगाड़ किया जा रहा है। यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है। उसी फरेब झूठ का जवाब देने के लिए हम लोग 1 तारीख को जनेश्वर मिश्रा सेतु से परिवर्तन की बयार बहाने का काम। जी, अगर 2022 में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या यहाँ इस गांव में भी सड़कें बनेंगे? जब सरकार थी, गांव के प्रधान बैठे हैं, सभी माननीय लोग बैठे हुए हैं, इसको हम लोगों ने लोहिया ग्राम में दिया था, यहाँ की सड़कें बनी थी, यहाँ पर पुल बनाने का काम हमने पिछली सरकार में किया था और यहाँ बिजली लगवाने का काम हम लोगों ने किया था। अब बचा खुचा है कि जनेश्वर मिश्रा सेतु से लेकर के परानपुर तक चौड़ी सड़क बनाने का काम, जैसे ही हमारी सरकार 22 में बनेगी, इसको पूरा करने का काम किया। जिस तरीके से अपराधियों का लगातार हौसला बुलंद होते जा रहे, अभी हाल ही में पत्रकार को गोली मार दिया गया और कल के घटना है कि पूर्व भरत सिंह सांसद जी के नाती को गोली मार दिया गया, जो मुख्यमंत्री आवास के सामने 2 लोगों को गोली मार दी गई, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? अब इससे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत विस्तार से बताया है, आप चैनल के लोगों ने दिखलाया भी है, कुछ अखबार के लोगों ने छापा भी है। जब यह सरकार ही गुंडे माफिया मवालियों के भरोसे चल रही है, इस सरकार में जब विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है तो क्या होगा? इस पर लंबी चौड़ी बहस करनी पड़ेगी, जनता को तैयार करना पड़ेगा, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करानी पड़ेगी। जी, तो 2022 में जमानत जब्त हो जाएगी, अब बचने वाली है। आप तो घूम रहे हैं गाँव गाँव देख रहे हैं, कोई भाजपा को वोट देने के लिए तैयार है? जो भाजपा को वोट दिया सबसे ज़्यादा वही गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? हाँ बोलिए, दे रहा था जमानत जब्त। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।